अनोखा गाउन और पाउडर का जादू। कोलकाता के एक छोटे से कॉलोनी में सुरभि अपने माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। सुरभि के पिता गणेश एक फैक्ट्री में काम करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, गणेश जब साइट पर काम कर रहा था तभी बिजली का हाई वोल्टेज तार के गिरने से गणेश की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद सुरभि की माँ अनीता पूरी तरह से टूट जाती है। घर में चार दिनों से कुछ भी नहीं बना था। मुझे हिम्मत रखना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया फिर मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। ये सोचकर अनीता उठती है और किचन में जाकर सुरभि के लिए खाना बनाकर लाती है। सुरभि, रोते नहीं बेटा, चलो चुप हो जाओ और ये लो खाना खा लो। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? माँ, क्या पिताजी कभी नहीं आएंगे? बेटा, पिताजी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं हैं हमारे पास। वो अब आसमान में तारा बन गए हैं, वो जब चाहे तब तुम्हें और मुझे देख सकते हैं। अब चलो खाना खा लो। माँ, आप भी खाओ, आपने भी तो कुछ नहीं खाया है। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उस मकान की मालकिन आती है। बस बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटी का, अब और नहीं। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ आराम से बैठी हुई हो। 2 महीने से ज्यादा हो गया है पर अभी तक तुमने हमें किराया नहीं दिया है। मालकिन, आपको तो पता ही है हमारी क्या हालत है, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे घर से मत निकालिए मालकिन, मुझ गरीब माँ पर तरस खाइए। इतने दिनों से तरस ही खाती आ रही थी जो तुम्हें फ्री में रहने के लिए दे रही थी, पर अब और नहीं, जल्दी से मेरा घर खाली करो। माँ, अब क्या होगा? माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? पहले पिताजी नहीं रहे और अब ये घर भी। तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरी ये माँ जिंदा है, चल मेरे साथ। इस तरह दोनों माँ बेटी घर को खाली करके वहाँ से निकल जाते हैं। अनीता घर घर जाकर काम की तलाश करती है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। अंत में अनीता को एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है। वहाँ की मालकिन बहुत ही खरूस थी, वह अनीता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बहुत ही कम तनख्वाह में उसे अपने यहाँ काम पर रख लेती है। वह अनीता से पूरे दिन घर का सारा काम करवाती और रात में बचा हुआ खाना खाने को देती, और तो और उन्हें सोने के लिए सबसे गंदे वाला स्टोर रूम भी देती है। लेकिन अनीता बिना कुछ बोले अपने मालकिन की सारी बात माना करती है। एक दिन, अनीता, तेरी ये बेटी फालतू में दिन भर यहाँ बैठी रहती है, इसकी वजह से तुम भी ठीक से घर के कामों पर ध्यान नहीं दे पाती हो। पास ही मेरा एक ढाबा है, कल से तुम अपनी बेटी को ढाबे पर बर्तन साफ करने के लिए भेज देना। मालकिन, सुरभि अभी बच्ची है। मालकिन, मैं जाकर ढाबे की साफ सफाई कर दिया करूँगी, कृपया मेरी बेटी से काम मत करवाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, तो फिर कल से तुम ही ढाबे पर काम करने जाओगी और वही रहोगी, समझी? ठीक है मालकिन। अगले दिन अनीता ढाबे पर चली जाती है। अनीता के जाते ही इधर अकेले में मालकिन सुरभि से घर के सारे काम करवाने लगी। ए लड़की, बैठी क्या है, तुझे दिखाई नहीं देता किचन में कितने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं? जा, जाकर उसकी सफाई कर। सुरभि किसी तरह से बर्तन साफ कर देती है। अब तो उसकी मालकिन आए दिन सुरभि से घर का कुछ न कुछ काम करवाया करती है। फिर एक दिन, सुरभि, जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। पर मालकिन, मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं है। अच्छे से जानती हूँ तेरे बहाने को, दोबारा से कुछ बनाने को न कह दूँ इसलिए नाटक कर रही है। जा जल्दी से बना कर ला, वरना मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। सुरभि डरते डरते किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी अचानक से चाय सुरभि के ऊपर गिर जाता है और सुरभि का चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है। आह माँ, अरे कमीनी,
क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? मुझे बहुत तेज जलन हो रहा है माँ, मेरी माँ को बुला दो माँ, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। जैसे ही अनीता को पता चलता है कि उसकी बेटी जल गई है, वो भागते हुए ढाबे से घर आती है। बेटी ये तुझे क्या हो गया बेटी? माँ मैं चाय बना रही थी तभी चाय मेरे ऊपर गिर गया, मुझे बहुत जलन हो रहा है माँ। मालकिन कृपया मेरी बेटी का इलाज करवा दीजिए, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, उसे बहुत तकलीफ हो रही है मालकिन। मेरे पास फालतू का इतना समय नहीं है समझी, ये ले 500 रुपए पकड़ और जा किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवा लेना। और हाँ, अब से यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे गवार लोग मुझे नहीं चाहिए। अनीता अपनी बेटी का सरकारी अस्पताल में इलाज करवाती है, सुरभि ठीक तो हो जाती है लेकिन उसके चेहरे पर काफी ज्यादा दाग और काले धब्बे आ जाते हैं। बेटी ये शहर हम गरीब लोगों के लिए नहीं है बेटी, हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। उसके बाद अनीता बस पकड़कर अपने गांव चली जाती है और गांव जाकर अपने भाई को सारी बातें बताती है। अनीता का भाई राजीव गांव में अपनी पत्नी बिमला और बेटी के साथ रहता था। वहाँ शहर में इतना सब हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा किया बहन जो तुम दोनों यहाँ आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा, चलो अब तुम दोनों आराम करो। तभी अनीता की भाभी राजीव को अपने पास बुलाकर कहती है, देखो जी ये तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रह सकती, पहले से हमारा इतना खर्चा है, ऊपर से अब ये और इसकी जली हुई बेटी यहाँ रहेगी तो हमारा खर्चा कितना बढ़ जाएगा। देखो हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो वरना मैं कल सुबह अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो भगवान, मैं रात के अंधेरे में अनीता को कैसे जाने को कह दूं? सुबह होने दो फिर मैं उससे बात करता हूँ। अनीता ये सब सुन लेती है और वो रो पड़ती है। किसी तरह अनीता वो रात वहाँ काट लेती है लेकिन सुबह होते ही वो अपनी बच्ची को लेकर बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। माँ तुम यहाँ क्यों बैठ गई? माँ अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? माँ काश पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, लेकिन लगता है भगवान को हमसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही, तभी तो वो हमें और ज्यादा दुख दिए जा रहे हैं। हे ऊपर वाले, अगर मारना ही है तो एक बार में ही उठा लेना, क्यों ऐसे तरपा तरपा कर मार रहा है? ऐसा ना कहो माँ, पहले ही पिताजी मुझे छोड़कर जा चुके हैं, अब तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा माँ? माँ आपने एक बार कहा था ना कि पिताजी आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं, तो क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं माँ? हाँ बेटी। पिताजी आप तो भगवान जी के पास हो ना, और मैंने सुना है भगवान जी के पास ऊपर बादलों में बहुत सारी परियां होती है और उस परियों के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां भी होती है। पिताजी आप फिर हमारी मदद के लिए किसी परी को क्यों नहीं भेजते हो? सुरभि की मासूमियत भरी बात सुनकर अनीता के आँखों में आंसू आ जाता है। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी, वो छुपकर दोनों माँ बेटी की बात सुन लेती है। कितनी मासूम और प्यारी बेटी है, भगवान तू हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है? लगता है अब मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। उसके बाद परी सुरभि के पास आती है और बोलती है, सुरभि बेटा मैं आ गई बेटा। परी माँ देखो मैंने कहा था ना पिताजी हमारी मदद के लिए परी को जरूर भेजेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है, उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के लिए ये जादुई गाउन भिजवाया है और ये जादुई पाउडर भी। सुरभि ये दोनों चीजें जादुई है, तुम इस गाउन को पहनकर जो कुछ भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा, और ये जादुई पाउडर तुम अपने चेहरे पर लगा लेना, इससे तुम्हारा ये जला हुआ चेहरा पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। क्या उन्हें दूर रहकर भी हमारी इतनी चिंता है? जी वो आप लोगों को उतना ही याद करते हैं जितना कि आप सब करते हो।
अब आप दोनों हमेशा अपनी बेटी के साथ खुश रहना। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुरभि खुशी खुशी उस गाउन को पहनकर जादुई पाउडर को अपने चेहरे पर लगाती है। पाउडर लगाते ही सुरभि का चेहरा पहले की तरह गोरा हो जाता है। हे जादुई गाउन, हमें हमारे रहने के लिए सुंदर सा घर दे दो। सुरभि के इतना बोलते ही वहाँ बहुत ही आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर जाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों माँ बेटी की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती वो उस जादुई गाउन से मांग लेते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।